सेविंग्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट, तो आप जल्द से जल्द अपने पैसों को सेविंग्स में ना डालते हुए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, निवेश करना शुरू कीजिए। हेलो एंड नमस्ते पेचेक प्रोज, मैं हूं मनीष आहुजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं हर 4th, 14th और 24th तारीख को नए वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं कि आप अपने पैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने पेचेक को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं, अपने पैसों को और अच्छी तरह से कहाँ और कैसे निवेश कर सकते हैं, और इन सारे टॉपिक्स के बारे में। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो आपको आपके स्कूल या यूनिवर्सिटी ने सिखानी चाहिए थी पैसों के बारे में, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ें कोई यूनिवर्सिटी सिखाती नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा 5 सिंपल आइडियाज़ के बारे में जो आपको मदद करेंगे आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए। ये सारी आइडियाज़ सुनने में बहुत बेसिक और कॉमन सेंस वाली लगती होंगी, लेकिन जब इन सब चीज़ों को अगर आप एक आदत बना दोगे और इन सारे चीज़ों को अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे तो आपको इसका इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर नज़र आएगा। एक और छोटी सी बात आगे बढ़ने पहले, इस चैनल पे आपको कंटेंट मिलेगा दोनों हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। मेरे 99% व्यूअर्स जो हैं वो इंडिया से आते हैं, तो अगर वीडियोस हिंदी और इंग्लिश भाषा में हो तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का जरिया मिल जाता है। तो अगर आज आप पहली बार इस चैनल के वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बार जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तब आपको एक नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं ऐसी 5 चीज़ें जो आप कर सकते हो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के नज़दीक आने के लिए। पहली चीज़ है इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश। अगर आपने कुछ जमा पूंजी अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखी है उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। अगर आपने पैसे जमा कर सेव कर कहीं साइड में रखे हुए हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी सेविंग्स है। इन्वेस्टमेंट होते हैं म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़, रियल एस्टेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंसिस्टेंटली आपके पैसे को बढ़ाते जाएं या आपको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेगुलरली किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा हो। जैसे अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर भी आपको डिविडेंड मिलते हैं, आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मिलजुल कर एक इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। सेविंग्स आर नॉट इन्वेस्टमेंट, तो आप जल्द से जल्द अपने पैसों को सेविंग्स में ना डालते हुए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, निवेश करना शुरू कीजिए। जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए वो है कि आप अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को, अपने सारे के सारे खर्चों को बजट करना चालू करें। आपने ये शब्द बजट बहुत बार सुना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बजट सिर्फ एक देश का हो सकता है या गवर्नमेंट का काम है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान को अपने खर्चों का एक बजट बनाना चाहिए। एक बजट आपको मदद करेगा समझने के लिए कि आप जो पेचेक कमाते हो उसका खर्चा आप कौन से दिशाओं में करते हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने हो रहे हैं, आपके घर पे खर्चे कितने हो रहे हैं, आपके कोई फिजूल खर्चे हो रहे हैं क्या, आप कौन से खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ों का ओवरऑल इवैल्यूएशन तभी ही पॉसिबल है अगर आप रेगुलरली बजटिंग करो और अपने सारे खर्चों को अच्छे से बजट के अनुसार खर्च करो। तो जल्द से जल्द बजट करना शुरू कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाइए। आगे बढ़ते हुए तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको सिर्फ उन चीज़ों पर खर्चा करना है जो आपकी ज़रूरतें हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शौक के ऊपर खर्चे करना गलत है, मेरे भी बहुत शौक है। मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी खर्चा करता हूँ, मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करता हूँ, लेकिन हर खर्च को एक बजट के हिसाब से, एक ज़रूरत के हिसाब से और एक लिमिट के हिसाब से अगर किया जाए तो उन सारे खर्चों का इम्पैक्ट आपके ओवरऑल फाइनेंसेस के ऊपर नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे कि एक बार रेस्टोरेंट में खाना खा लेने से कितना फ़र्क पड़ जाएगा या एक बार कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीद लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तकलीफ़ ये है कि ये एक बार के खर्चे कंसिस्टेंटली होते ही रहते हैं। हम जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, महंगाई कम तो होने वाली है नहीं, खर्चे तो कम होने वाले हैं नहीं, तो अगर हम सारे के सारे खर्चे या ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे उस डायरेक्शन में करें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, तो हमारे फिजूल खर्चे या शौक वाले खर्चे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कम होते जाएंगे। जो चौथी पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए वो ये है कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सोचते होंगे आप इंसान खुद पे इन्वेस्ट कैसे करता है, उसका सबसे आसान उदाहरण ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी
ओवरऑल एजुकेशन, आपका ओवरऑल पढ़ाई या आपका सीखने का जो लिमिटेशन था वो आपके स्कूल या कॉलेज की डिग्री से ख़त्म हो चुका है, तो ये बात गलत है। एक इंसान को पूरी ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए। आप अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, आप नई चीज़ें सीखिए। आज की तारीख में बहुत सारे सेमिनार्स और प्रोग्राम्स होते हैं, जो ज़रूरत लगे आपको उस प्रोग्राम या सेमिनार में इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप नए लोगों को मिलोगे, आप नई चीज़ों के बारे में सीखोगे, समझोगे और आपका ओवरऑल प्रोग्रेस होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके और आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। अपने आप में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा एक अच्छा आइडिया होगा, तो जितना हो सके अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद में जो पांचवी पॉइंट मैं आपको कहूँगा, उसमें हो सकता है आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि पांचवी पॉइंट बात करती है खर्चों के बारे में। नहीं, खर्चे कम नहीं करने, उल्टा आपको खर्चे जो करने हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी मॉल में चले गए और अगर आपको सेल में कोई शर्ट या कोई पर्टिकुलर डेनिम्स मिल जाती है जो सिर्फ 500 या 700 रुपए की हो, ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का हो। उस 500 या 700 रुपए में आपको क्वालिटी भी 500-700 रुपए की ही मिलेगी ना। तो सिर्फ उन चीज़ों पर खर्चा कीजिए जो अच्छी क्वालिटी की हो, जो आप अच्छी तरह से यूज़ कर सके, जिसकी आपको ज़रूरत हो और जो लंबे टाइम तक आपके साथ काम निभा सके। आपने देखा होगा अगर आप कभी कोई सस्ता वाला फ़ोन ले लेते हो तो वो 6-8 महीने के बाद में स्लो हो जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जैसे मैं हूँ, मैं महंगे फ़ोन्स लेता हूँ लेकिन उन्हें 2 या 3 साल तक यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं अगर चाहूँ तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का फ़ोन खरीद के हर साल उसको अपग्रेड करूँ, या मैं डबल प्राइस का एक फ़ोन लेके उसको अगर 3 साल चलाता हूँ तो भी मेरा 3 साल चलाने में ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है एक महंगे फ़ोन लेने का। वैसे ही अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो क्वालिटी के ऊपर पैसे देने की कोशिश कीजिए, बजट के हिसाब से उसका खर्चा कीजिए और उसका फ़ायदा आप ज़्यादा लंबे समय तक चला पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेचेक टू प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा और सारे लोगों के व्यूज़ के हिसाब से मैं नए वीडियोस बनाता जाऊंगा। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल हो तो इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उसकी जानकारी स्क्रीन पे अभी नज़र आती होगी। मैंने पहले बहुत वीडियोज़ बनाए हैं जो आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, आप कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आप पुराने वीडियोज़ देखना ना भूलिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।